हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरटेक वॉल। मैं हूं मुरली। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों YouTube वर्सेस TikTok, ये कहां से स्टार्ट हुआ और किसने आग लगाई, ये सारे डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आप बोलते होंगे कि यार ये टेक चैनल चला था, ये क्यों इसमें घुस गया। तो मैं भी कबाब में हड्डी बनना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि सवाल उठाया यूट्यूब के पे, और उठाया किसने, इसने। What's up everybody, that's your boy आमिर सिद्दीकी, live all the way from मुंबई। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ। तो गाइज यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे, जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे दोस्तों, हमारे एक यूट्यूबर भाई ने एक टिकटॉकर को रोस्ट कर दिया, यानी कि बड़े बड़े टिकटॉकर्स को रोस्ट कर दिया। तो ये उन बड़े बड़े टिकटॉकर्स को तो कुछ लगी नहीं, बट इन बंदे को, इस बंदे को ज्यादा आग लग गई है। तो फिर इन्होंने सारे यूट्यूब को घसीट लिया अपने वीडियो में। तो उसका जवाब मैं आज देने आया हूं दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके कंटेंट एकदम ढासू है, कतई जहर कंटेंट बनाते हैं यार इन लोग। तो सबसे पहले दोस्तों ये कहते हैं कि यूट्यूब में काफी वाहियात और जहर कंटेंट बनाते हैं, तो ये लोग क्या बनाते हैं? इनके टिकटॉक में तो बहुत ही सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं, आप लोगों को नॉलेज ज्यादा मिलता है। इनको ये पता नहीं है कि यूट्यूब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे कितने नॉलेज मिलते हैं। आप देख लो इनके टिकटॉक में किस तरह के कंटेंट बनते हैं, फिर आप बताओ जहर ये पिलाते कि हम पिलाते। चिकन ट्रिपल राइस, चिकन 65, चिकन लेग पीस। तो पहला पॉइंट है कंटेंट। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। उसके बाद ये कहते हैं कि क्रिंज कंटेंट कौन बनाता है? क्रिंज कंटेंट 80-90% टिकटॉक में क्रिंज कंटेंट के अलावा कुछ बनता ही नहीं है दोस्तों। ये यूट्यूब में दोस्तों आपको इतना सारा नॉलेज मिलेगा ना कि आप लोग यहाँ पे आके सर्च करते हैं अपने रिलेटेड जितने भी क्वेरीज, जितने भी उनको वीडियो देखना चाहते हैं उसके रिलेटेड यूट्यूब में आके सर्च करते हैं दोस्तों, और उनके लिए हम रिसर्च करके बनाते हैं वीडियो सारे। और ये कहते हैं कि कंटेंट हम देते नहीं है। भैया इनको पता नहीं है कि कंटेंट अगर YouTube में नहीं होता तो कोई होता नहीं। आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म YouTube नहीं होता, यहाँ पे आपको दुनिया भर का नॉलेज का भंडार है यूट्यूब। आप तो 15 सेकंड के वीडियो में तो काफी सारे नॉलेज बांट देते हो ना भैया। 15 सेकंड में तो यहाँ पे सिर्फ मैं हाय दोस्तों वेलकम टू माय चैनल बोलूंगा तो 15 सेकंड खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी। सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए। और रही बात इन्होंने सीसी की बात की, इनके सीसी में मुझे क्रेडिट कार्ड क्या है वो तो पता ही नहीं चला। क्रेडिट कार्ड कहां से बीच में आ गया मुझे वो पता नहीं चला। लेकिन हाँ कॉपीराइट कंटेंट, अगर दोस्तों कॉपीराइट कंटेंट अगर यूट्यूब में नहीं होता तो आज यूट्यूब भी सारा कचरा इसमें जमा हो जाता टिकटॉक की तरह, क्योंकि काफी यहाँ पे सभी का अलग एक यूनिक कंटेंट होता है। कंटेंट सेम होते बट सबका कहने का अंदाज अलग होता है दोस्तों, भले ही कंटेंट सेम होता है। इनकी तरह एक ही कंटेंट नहीं, Oh,
की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। अब ये बोलते हैं कि यूट्यूबर्स में यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं होता तो आज इतने सारे वीडियोस देखने नहीं मिलते भाई आपको, जब यूट्यूब पे उंगली उठाई तो। यूनिटी तो आप में भी नहीं है, जो आपको वीडियोस में बताता हूँ ऐसे काफी सारे वीडियोस है जो आप ही के लोग आपको गालियां देते हैं। हाँ भाई ये कम था अभी, हाँ ये नया निकाल के लेके आए हो यार, इतना टैलेंट तो नहीं है हम लोगों में, कुछ तो रहम करो, हद हो गई है। और आप बात करते यूनिटी की, तो पहले खुद भी देख लिया कर, रिसर्च कर लिया करो यार, इसलिए मैं बोलता हूँ यूट्यूबर्स हम कभी भी रिसर्च करते काफी चीज को बोलने से पहले कि क्या मैं बोलने जा रहा हूँ वो सही है, इस हद तक सही है, वो सब हम रिसर्च करते हैं, ऐसे ही कंटेंट इसमें पोस्ट नहीं कर देते हम। और यार आप लोग कंटेंट आप लोग किसी और के कंटेंट में सिर्फ आपका लिप सिंक करते हो, यहाँ पे सिर्फ लिप सिंक होता है, हमको यहाँ पे लिप सिंक नहीं, हमारा गला फाड़ना पड़ता है यहाँ पे लोगों तक हमारा इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, और काफी सारा मेहनत लगता है। हाँ आपके टिकटॉकर एक लेडी ने पता नहीं क्या कहा कि 4 घंटे लगते हैं उनको 15 सेकंड के वीडियो एडिट करने के लिए, भैया इतने तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी नहीं लगते इतना, ऐसे तो कौन सा सॉफ्टवेयर में वो एडिट करते हैं मुझे पता नहीं, सॉफ्टवेयर जरूर ढूंढना पड़ेगा मुझे लगता है। हमारी कम्युनिटी की तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा। तो देख लिया आपने इनकी यूनिटी, इसे बोलते हैं यूनिटी। यूट्यूबर सुधरो, यूनिटी बनाए रखो इनकी जैसा, अब सुधरोगे यार आप लोग। आने वाली बात नहीं है, आप लोग ने किया हम लोग ने स्पोर्टिंगली लिया, तो अब आपकी बारी, आप लोग भी सारी चीजें स्पोर्टिंगली लेना। कि आप लोग भी स्पोर्टिंगली ले, हम भी स्पोर्टिंगली ले, तो फिर ये बवाल काहे को खड़ा किया भाई है? तो आपको अगर स्पोर्टिंगली लेना है तो ये बवाल फालतू का इश्यूज क्यों क्रिएट किया, तो हम भी यहाँ पे इतना लंबा इसको खींचते नहीं रबर की तरह, और आप उस बस उतना ही नहीं और भी आप तेल डालते बैठे रह रहे हो, कभी आ जाते हो माफी मांगने, कभी आप आग लगाते हो, कभी आप माफी मांगने, आपको डिसाइड कर लो पहले करना क्या है। आप तो अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगी, तो ये दुआ करो कि हम लोग YouTube पे नहीं आए। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को YouTube पे आ जाना चाहिए, और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। ओहो ये क्या कह दिया भाई, आप YouTube पे आग लगाने आ रहे हो, माइंड ब्लोइंग। हम लोग तो YouTube क्लोज कर देंगे आज से, हमें नहीं काम करना भैया, आप लोग अगर आ जाएंगे तो हमें काम नहीं करना बिल्कुल। भैया ये कोई 15 सेकंड का खेल नहीं है YouTube के, कोई भी आएगा टांग उठाया और कूद के चले जाए, यहाँ पे रात भर मेहनत करना पड़ता है, हम जॉब जाते हैं और रात को हमारा वीडियो एडिट करते हैं, और रात को एडिट करते करते कितने बज जाते हैं ना हमको भी पता नहीं चलता। अब वीडियो में देख ही रहे होंगे ये पसीना छूटता है आपकी, जैसे एसी में या फैन की हवा में बैठ के हम वीडियोस नहीं बनाते, हमको यहाँ पे फैन को बंद करना पड़ता है ताकि बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं आए, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता वीडियो बनाते हो चाहे गधा चिल्लाए या कुत्ता चिल्लाए, और हम कोई 15 सेकंड का वीडियो नहीं बनाते या 60 सेकंड का वीडियो नहीं बनाते, यहाँ पे हमको यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाना पड़ता है भाई। माना मैंने काफी, मैं भी टिकटॉक देखता हूँ ऐसा नहीं है, पर यहाँ टिकटॉक में भी काफी अच्छे कंटेंट देते हैं लोग, 15 सेकंड में या 60 सेकंड में अच्छे कुकिंग टिप्स दे रहे हैं, तो पैसे के पीछे और व्यूज के पीछे तुम भागते हो, हम लोग नहीं भागते, हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार सपोर्ट इज्जत, जो कि आप लोग नहीं करते हो, हम लोग जरूर देंगे आप लोग को इज्जत। और रही बात पैसे की, बात कर दी आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी है, जाना आप तो पैसा कमाने ही नहीं आए, आप तो सिर्फ यहाँ पे प्यार कमाने आए हो, हम लोग तो प्यार कमाने नहीं आए भाई, ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाते वो बिना प्यार के, बस ऐसे ही आके कोई भी बेल आइकॉन घंटा दबा के चला जाता है, या अगर हमारे कंटेंट ना पसंद आए तो वहां पे कोई भी नहीं दिखेगा, ये सब प्यार ही है, वो
उनके प्यार के कारण ही हम भी आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आपको सब फेम, प्यार, इज्जत आपको अकेले को नहीं मिलता, सभी को मिलता है जो अच्छे काम करते हैं। एक और पॉइंट है, दैट इज सोर्स ऑफ अर्निंग। तो यूट्यूबर्स भी ब्रांड से कमाते हैं और हम लोग भी टिकटॉकर्स भी ब्रांड से ही पैसा कमाते हैं। तो यार आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो टिकटॉक पे ज्यादा ब्रांड्स है कंपेयर टू यूट्यूब। अब सोर्स ऑफ अर्निंग बोलते हैं कि आप टिकटॉक में जा रहे हैं। भैया टिकटॉक तो सिर्फ 3 साल से है, यूट्यूब काफी पुराना है और काफी साल से बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स उनके साथ काम करते हैं और यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का भी ज्यादा रहता है बल्कि कंपेयर टू टिकटॉक। तो अर्निंग की बात करते हो तो दोस्तों टिकटॉक अर्निंग, अगर आप अर्निंग की बात करते हो तो टिकटॉक में एज कंपेयर टू यूट्यूब, भाई टिकटॉक तो कम ही है। और टिकटॉक को यूट्यूब से कंपेयर ना करें तो अच्छा है, हमारा यूट्यूब शॉर्ट्स आएगा तब आप कंपेयर कर लेना उससे, या तो फिर आप ये लाइकी यू वीडियोस उनके साथ ही कंपेयर कीजिएगा अपने आप को। इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है, हर जगह पे इनसे ज्यादा, फेस वैल्यू इनसे ज्यादा। और हाँ भाई, हम तो सोशल मीडिया पे तो है ही नहीं, हम लोग को तो सोशल मीडिया पे कोई फेस वैल्यू नहीं है। आपका तो फेस वैल्यू ज्यादा है यार। फेस वैल्यू से मुझे एक याद आया, शेयर बाजार का फेस वैल्यू क्या है यार, क्या चल रहा है शेयर बाजार में? मैं तो ये एक ही फेस वैल्यू जानता हूँ, बाकी यूट्यूब में तो किसी का फेस वैल्यू है ही नहीं, ऐसे ही आगे बढ़ गए सब। हमारे यूट्यूब में भी काफी लोग हैं जो कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी है और कुछ लोग सेलिब्रिटीज के साथ भी काम कर चुके हैं यूट्यूब में। हमारे अमित बडाना है, काफी लोग है, किन किन के नाम लो यार, ऐसे तो लिस्ट है, बहुत लंबे लिस्ट हो जाएंगी और मेरा वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। यार मैंने तो यार कुछ सिर्फ 10 वीडियोस डाले और 10 वीडियो में 3 आपके सब्सक्राइबर्स 210 हो गए, तो सोचो अगर मैं वीडियोस डालना चालू करूंगा तो क्या होएगा वहाँ पे। हाय गाइस, आज पूरे 2 हफ्तों के बाद खा रहा हूँ चिकन लेग पीस और कांदा। अरे हाँ, आप तो यूट्यूब में हो, हमें तो पता ही नहीं यार। अच्छा हुआ आपने बोल दिया, आपके 10 वीडियो से इतने सारे आ गए, तो बाप रे आप ज्यादा वीडियोस मत डालिएगा, ले तो हम लोग तो फिर खत्म ही हो जाएंगे यूट्यूब से। और रही बात यार रोस्ट की, तो यार यहाँ पे रोस्ट तो यूट्यूब में काफी लोगों का रोस्ट किया जाता है यार, बड़े बड़े लोगों का रोस्ट किया जाता है यार, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का जो फिल्म इंडस्ट्रीज के, तो वो लोग तो झगड़ने नहीं आ जाते है ना, तो वो लोग भी यार स्पोर्टिवली लेते हैं ये सब चीजों पर, वो लोग ध्यान देंगे तो फिर वो लोग का करियर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों रोस्ट करना हमारा काम है, दिल पे इसे मत लीजिएगा, अगर सब बात दिल पे लेने लग जाएंगे तो फिर बात रहेगी नहीं। आपने देखा होगा बिग बॉस में जब गुलाडी ने वो एक डांस किया था बिग बी के रोल में, तो वो सब चीज अगर बिग बी देखेंगे, जो अमिताभ बच्चन जी है हमारे, वो देखेंगे तो वो क्या इसके पे केस करना बैठ जाएंगे क्या? ये सब एक एंटरटेनमेंट के लिए होता है दोस्तों। आप लोगों का रोस्ट, आप कहीं पे भी जाते हो आपका रोस्ट होता है, सिर्फ हमने यूट्यूबर्स ने रोस्ट कर दिया इसका मतलब आप झगड़ने लग गए। दोस्तों टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, दोनों को कभी कंपेयर मत कीजिएगा, वो अलग रेंज है, ये अलग रेंज है, तो दोनों बहुत ही अलग चीज है, तो इसे कंपेरिजन कभी मत कीजिएगा। यूट्यूब यूट्यूब है और टिकटॉक टिकटॉक रहेगा। तो दोस्तों ये था YouTube वर्सेस TikTok। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वहां पे ऑल नोटिफिकेशन दिखेगा आपको, वहां पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।